हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कैजेड। हाँ तो गाइस, सभी को पता है सुपरस्टार रजनीकांत सर की अपकमिंग मूवी जो होने वाली है मोस्ट वांटेड डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर के साथ होने वाली है, यानी कि थलाइवर 171 होने वाली है। और इस मूवी के लिए फंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हर्ष भाई थलाइवर 171 का कुछ ऑफिशियल अपडेट दे दो, शूट से रिलेटेड कुछ अपडेट दे दो, प्रमो से रिलेटेड कुछ अपडेट दे दो, प्रमो किस टाइप का आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गाइज, लियो के बाद थलाइवर 171 ऐसा हाइप पकड़ने वाला है, ऐसा हाइप पकड़ने वाला है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो गाइस, मैं सब बता रहा हूँ प्रमो के बारे में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर का नाम जहां पर लग जाता है वो मूवी भाई साहब ब्लॉकबस्टर का बाप होती है। और यहाँ तो ऑलरेडी एक्टर इतने खतरनाक है, यानी कि सुपरस्टार रजनीकांत सर है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फटने वाला है। हाँ तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताता रहता हूँ भाई साहब थलाइवर 171 डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर की एवरी मूवी के बारे में अपडेट हमारे चैनल पे मिलती है। हाँ तो गाइस, काफी दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जब मूवी की टीम ने ऑफिशियल पोस्टर शेयर किया था डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब इसका जो प्रमो आने वाला है काफी जल्दी आने वाला है, जो कि अपने को 22 अप्रैल को देखने को मिलेगा। सभी को पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता है? यार देखो यार, अगर पता है तो आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को चिल्लाऊंगा भी नहीं, ना मैं किसी को मारूंगा, बिकॉज वो मारने का धर्म मेरा नहीं है। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो ये प्रमो भाई सब काफी तगड़ा होने वाला है, काफी तगड़ा होने वाला है, मतलब कि तगड़े से भी खतरनाक होने वाला है, जो कि अपने को देखने को मिलेगा 22 अप्रैल, यानी कि 22 अप्रैल को देखने को मिलेगा। हाँ तो गाइज, अब अपडेट क्या निकल कर आ रही है, अब गाइज मूवी की टीम प्रमो शेयर करेगी तो प्रमो को शूट भी तो करना पड़ेगा, कैमरे वैमरे से शूट भी तो करना पड़ेगा। तो गाइज, ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रमो है उसका शूट डन कर दिया गया है। अब गाइज देखें आप कितने अटेंटिव है डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर, अभी कुछ ही दिन पहले प्रमो का अपडेट दिया, प्रमो का शूट रैप अप कर दिया, और आज हो गया 14 अप्रैल, जस्ट भाई सब 8 दिन बचे हैं, अकॉर्डिंग टू 8 से 9 दिन बचे हैं मूवी की टीम को भाई सब इतने दिन में एडिट करके खत्म करके रखने वाले हैं। और गाइस, अपडेट ऐसा निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जो रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंद्र का जो BGM होने वाला वो खतरनाक लेवल पे होने वाला है, मतलब कि एक्सपेक्ट क्या भाई सब, ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है कि अभी तक जो BGM अपने को कैदी में सुनने को नहीं मिला, विक्रम में सुनने को नहीं मिला, इवन लियो में सुनने को नहीं मिला, वो कि अपने को थलाइवर 171 में सुनाई देने वाला है, जो कि तोड़ कर रखने वाला है। और भाई साहब अनिरुद्ध रविचंद्र भाई साहब, उनकी म्यूजिक के बारे में कुछ बोलने की जरूरत है क्या? तो भाई साहब काफी मास लेवल पे आपको इनका BGM सुनाई देने वाला है। और ये जो प्रमो है जो कि थलाइवर 171 का है, तो गाइज उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रमो है वो इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट व्यू वाला प्रमो होने वाला है, और इस प्रमो के आगे भाई सब अच्छे अच्छे प्रमो मतलब टाइट है फुस होने वाले हैं। और आप लोगों को पता है प्रमो का स्पेशल एक अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि इसका प्रमो जो जिस टाइप से शूट किया गया, लाइक अपनी विक्रम लियो आफ्टर विक्रम की तरह शूट किया गया और विक्रम की तरह ही एडिट होने वाला है। और BGM के बारे में तो भाई साहब काफी खतरनाक बताया जा रहा है कि BGM यहाँ पर तोड़ कर रखने वाला है। और जिन भी लोगों का ऐसा डाउट है, कि मोस्टली काफी लोगों का रहता है कि भाई साहब जो थलाइवर 171 है वो लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स से कनेक्ट होगी या नहीं होगी, काफी लोग मुझसे पूछते हैं जब भी मैं थलाइवर 171 का कुछ अपडेट शेयर करता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज में मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि हर्ष भाई ये लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो भाई साहब ये काफी जल्दी डाउट क्लियर होने वाला है जैसे शूट होगा ना, वैसे सारी अपडेट हमारे चैनल पे मिलने वाली है आप लोगों को। वैसे गाइस, आप लोग हमें बताएं थलाइवर 171 के ऑफिशियल प्रमो के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है प्रमो के शूट के बारे में, जो कि रैप अप कर दिया गया है, अनिरुद्ध रविचंद्र के BGM के बारे में, शूट के बारे में, डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर के बारे में, और LCU यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, अपने ओपिनियन भाई साहब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।